अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई हो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं, इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जनाब, आज है सैटरडे की रात है और हम लोग आए हैं पिज़्ज़ा खाने। खाना हम खा चुके हैं, यूं ही रात को अलग सा दिल चाह कि चलो भाई कुछ खाना पीना करते हैं, चलते हैं। तो फिर हम सब आ गए पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो जनाब, यहाँ से हमने पिज़्ज़ा खाया था और ये पिज़्ज़ा किंग के नाम से ये शॉप है और यहाँ का जो पिज़्ज़ा है वो सही था, अच्छा था, टेस्टी भी था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये बहुत कम कॉस्ट थी, इसकी कॉस्टली बिल्कुल नहीं था। जबकि अमूमन एक लार्ज पिज़्ज़ा की जो प्राइस है अब तक वो तकरीबन 1100, 1150 या 1200 रुपये है ज़्यादातर। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी एक लार्ज पिज़्ज़ा की प्राइस जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये थी, सिर्फ 450 रुपये, आप लोग सोच नहीं सकते। तो जनाब, ये है सुबह सवेरे का वक्त और मैं यहाँ बना रही हूँ नाश्ता। और संडे का दिन है तो नाश्ता थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ अंडा और आप लोग देख सकते हैं कि मैं कढ़ाई के अंदर अंडे को फ्राई कर रही हूँ। उस पर मैंने हरी मिर्च बहुत ज़्यादा कट करके डाली है क्योंकि ये हस्बैंड जी का के लिए है, तो हस्बैंड को जो है हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बन रहे हैं पराठे। देखना बेलन ना गिरा। इसको बर्गर कर दीजिए मैडम को। तो शोरबा लाओ चिकन। और यहाँ मैं दूध के ऊपर से आप लोग देख सकते हैं बलाई निकाल रही हूँ, क्योंकि ये जो बलाई है ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है लेकिन हम लोगों के लिए नहीं है ये अभी इस वक्त। और मुझे बलाई से एलर्जी है, मैं बिल्कुल नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये है कि मैं बलाई इस तरह से निकाल के फिर बाद में इससे जो है बटर निकालूंगी, इस वजह से मैं यहाँ से सारी की सारी बलाई जो है एक साइड मैंने निकाल लिया है। तो ये 1 लीटर दूध है, इसमें से माशाल्लाह देखें कितनी सारी बलाई निकली है। और उसको मैंने रात में बॉईल किया था, बॉईल करने के बाद जब ये दूध ठंडा हो गया तो मैंने इसको इसी तरह से
फ्रीज़र में रख दिया था, फ्रीज़र में या नहीं सॉरी फ्रिज में रख दिया था, ताकि जो है ये बलाई ऊपर से जम जाए। और ये देखें, ये मैंने मक्खन तैयार किया है, घर का ज़बरदस्त किस्म का मक्खन है, तो यहाँ मैं वही मक्खन निकाल रही हूँ, और ये भी नाश्ते में चलेगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह मक्खन भी बहुत अच्छा बना था, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। और ये देखें जनाब मक्खन, देखें ज़रा माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये मेरे पास टिफ़िन बॉक्स था, मैंने इसी के अंदर ये मक्खन जमा दिया था। और यहाँ पर बन रहे हैं बैंगन, बंद नहीं है सॉरी, बन रहा है बैंगन का भुरता। और यहाँ पे मैंने इसको कट लगा के अंदर हरी मिर्च इसके अंदर फिल किया है, और लहसुन को फिल किया है। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं बैंगन के तले हुए बैंगन जिसे बोलते हैं, मैं वो बना रही हूँ। ये दोपहर का खाना जो है इसके लिए बनाया था फटाफट, और मैंने दाल चावल बनाए थे, उसके साथ मैंने ये बैंगन फ्राई किए थे, उसके साथ बैंगन का भुरता बनाया था, और साथ में बस यही कुछ था, अचार चटनी, बस ये सब चीज़ें थी दोपहर के लिए। तो यहाँ पर बैंगन जो है पूरी तरह से भुन चुका है, इसके अंदर से सारी हरी मिर्च और लहसुन वगैरह सब मैं निकाल दूँ, और इसका सारा छिलका उतार लूँगी। इसके बाद इसको मैश करूँगी, प्याज काटूँगी और हरी मिर्च काटूँगी, और इसके साथ ही इसमें हरा धनिया काटूँगी, और इसके बाद इसको यानी इसी तरह से टमाटर भी मैंने भून कर इसमें ऐड किया था, और बस मैं इसका भुर्ता बना लूँगी। तो जनाब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हम आए हैं अपने छोटे देवर के घर, और यहाँ पर जो है हम आए हैं बच्चों से मिलने, और थोड़ा ये देखने के क्या काम कहाँ तक पहुँचा कंस्ट्रक्शन का। तो यहाँ पर कलर शलर का काम चल रहा है, और बच्चे जो हैं मेरे देवर के दोनों बच्चे जो हैं वो मेरे घर रुकेंगे। तो हम बच्चों को लेकर आए थे कि मम्मा से मुलाकात हो जाए, वीडियो कॉल पर बात हुई थी, पर बच्चों का दिल था कि मम्मा से मुलाकात हो जाए, तो इस वजह से हम लोग यहाँ आए थे। आप लोग देख सकते हैं घर की हालत अभी इस वक्त, अब जब घर पूरी तरह रेनोवेट हो जाएगा तो फिर मैं दोबारा से आपके साथ उसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने बनाया बीफ पुलाव, संडे का दिन है आज, देख सकते हैं आप मटर डाले थे इसमें बीफ पुलाव में, और इसके साथ बनाया है रायता, तो ये बनाया है नींबू वाला सलाद, इसमें मूली है, प्याज है, और खीरा है, और हरी मिर्च और नमक और नींबू। तो ये मज़ेदार सा आज हम करेंगे डिनर। वक्त हो रहा है रात के 8 बज रहे हैं, और खाना खाने के कुछ देर के बाद ही हम आ गए थे सूप पीने, और जिस जगह से हम ज़्यादातर सूप पीते हैं एक नंबर औरंगी टाउन से, तो वो शॉप बंद हो गई थी, तो फिर हम यहाँ बनारस टाउन में एक ठेला लगाया हुआ था,
तो लगा हुआ था ठेला, तो हमने वहाँ से ये कॉर्न सूप लिया था और बहुत टेस्टी था, अच्छा था। और इसमें जो है पापड़ एड था, फर्स्ट टाइम मैंने जो है ये इस तरह का सूप ट्राई किया। सलाम नहीं करोगी? अस्सलाम वालेकुम। आइए, भुट्टा भी डाला हुआ है। हाँ, कौन सूप है ना? आइए जी, आइए। इन लोगों का बना पागल लोगों का। ये लोग सर्दी में बाहर बैठ के सूप एंजॉय करते हैं और हम सब गाड़ी के अंदर। तुम नहीं जाओगे ना? वहीं बैठो। अंडा तो नहीं, सही, अच्छा है। हर बंदे की अपनी अलग अलग चीज है। एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ बाद में।